दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक ऐसी हॉरर फिल्म आई थी जिसे देखने के बाद लोग चीखते हुए हॉल से बाहर आ जाते थे। उन्हें हार्ट अटैक जैसा महसूस होता था। वह वॉशरूम में उल्टियां करते थे, यहां तक कि एक प्रेग्नेंट महिला का मिसकैरेज तक हो गया था। इस वजह से सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ गई थी कि क्या पता वहां से कितने लोगों को अस्पताल ले जाना पड़े। इतने डर और दहशत के माहौल के बाद भी लोगों ने इस फिल्म को देखना नहीं छोड़ा और सुबह 4 बजे से ही टिकटों के लिए लाइन लग जाती थी, जिसके चलते 12 मिलियन डॉलर में बनी इस फिल्म ने 450 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर डाला। इस फिल्म को ऑस्कर में कुल 10 नॉमिनेशन मिले और 2 कैटेगरी में इसने ऑस्कर अवार्ड भी जीता। माना जाता था कि यह एक शापित फिल्म थी और तकरीबन 20 लोग इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अलग अलग कारणों से मारे भी गए और कई घायल भी हुए। यह फिल्म इतनी भयानक थी कि रिलीज से 5 दिन पहले जब इसे फिल्म क्रिटिक्स को दिखाया गया तो वह सब इसे बीच शो में ही छोड़कर भाग गए। इस फिल्म का नाम था दी एक्सोर्सिस्ट, जो 1973 में अमेरिका में रिलीज हुई थी।